सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, मानव संपदा पोर्टल को दीक्षा ऐप से मर्ज करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी, जिस वीडियो की मदद से हमारे बहुत सारे शिक्षक साथियों ने मानव संपदा पोर्टल को दीक्षा ऐप से मर्ज कर लिया है। लेकिन हमारे कुछ शिक्षक साथियों को मानव संपदा पोर्टल को दीक्षा ऐप से मर्ज करने में समस्याएँ आ रही हैं। ऐसी कंडीशन में वे लोग घबरा जाते हैं और घबराकर या तो मुझे फ़ोन करते हैं या मैसेज करते हैं, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मुझे फ़ोन ना करें। अगर आपको परेशानी है तो आप वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, और इसके साथ साथ अगर आप मेरे ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। कृपया करके मुझे कॉल ना करें, क्योंकि मैं भी आपकी तरह एक शिक्षक हूँ और मुझे भी विद्यालय जाना पड़ता है, मुझे भी विद्यालय के समस्त क्रियाकलाप करने पड़ते हैं। अगर आप मुझे मैसेज करेंगे तो विद्यालय समय के बाद मैं आपके सभी समस्याओं के समाधान की कोशिश करूंगा, आपकी सभी क्वारीज का जवाब दूंगा। तो साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है, कॉल ना करें, केवल मैसेज करें। दूसरा, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि क्या क्या समस्याएँ आ रही हैं, क्या क्या मेरे पास क्वारी आ रही हैं और उनके क्या क्या संभावित समाधान हो सकते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जैसे बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित वीडियो, ऑनलाइन प्रोसेस से संबंधित वीडियो और टैक्स से संबंधित वीडियो मैं बनाता हूं, और उनके लिए मैंने एक इन्फॉर्मेटिव व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि आपको सभी वीडियो एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए आपको मेरे इन्फॉर्मेटिव व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना होगा। ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं समस्याओं के बारे में और उनके संभावित समाधान के बारे में। सबसे पहली जो समस्या आ रही है शिक्षक साथियों के सामने, कि उन्हें दीक्षा ऐप का पासवर्ड नहीं पता। वे दीक्षा ऐप लॉगिन कर लेते थे और वे पासवर्ड भूल गए। तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि अगर आपको दीक्षा ऐप का पासवर्ड नहीं पता तो आप फॉरगेट पासवर्ड करके अपने पासवर्ड को दोबारा से चेंज कर सकते हैं। उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके पासवर्ड अपना दूसरा बना लीजिए, क्योंकि जब आप मर्ज करेंगे तो आपको दीक्षा ऐप के पासवर्ड का पता होना चाहिए। दूसरी समस्या है, दीक्षा ऐप को मोबाइल से लॉगिन किया था या ईमेल आईडी से। ये भी उनके कुछ लोगों के पास समस्या आ रही है, उन्हें ये भी नहीं पता कि हम मोबाइल से लॉगिन करते थे या ईमेल से। इसके रिगार्डिंग भी मैंने उस वीडियो में बताया है, अगर आप अपने मोबाइल से किया है तो पहले मोबाइल से ट्राई कर लीजिए फॉरगेट पासवर्ड करके, और अगर वो आता है कि ये आपकी एंट्रीज हमारे सिस्टम में नहीं है, तब आप लोग ईमेल से आप लॉगिन कर लीजिए। तो इसके लिए भी वो वीडियो आपके काम आएगी, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो ये दोनों समस्याओं के समाधान के लिए मैंने पहले वीडियो तीसरी समस्या है, दीक्षा ऐप को गूगल से लॉगिन किया था इसलिए ईमेल और पासवर्ड नहीं पता शिक्षक साथियों को। तो इसके लिए आपको गूगल अपने मोबाइल की सेटिंग में जाकर आपको देखना पड़ेगा कि आपके गूगल में कौन सी ईमेल आईडी डाली हुई है। तब आप अपनी ईमेल आईडी को लिख लेंगे और उसके बाद आप फॉरगेट पासवर्ड पे वहीं पर गूगल का पासवर्ड आप चेंज कर लेंगे, तो आपको पासवर्ड भी मिल जाएगा। इसके रिगार्डिंग भी एक वीडियो है, तीनों प्रश्न जो शुरू के तीन प्रश्न हैं उनके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप उस वीडियो के लिंक पे जाकर इन तीनों समस्याओं का समाधान देख सकते हैं। उस वीडियो में आपको फुल डिटेल्स में मैंने समझाया है। तो इन तीन समस्याओं के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब बात आती है समस्या नंबर चार की। जब हम दीक्षा ऐप को मानव संपदा पोर्टल से लॉगिन करने के लिए लॉगिन विद स्टेट सिस्टम करते हैं, तो उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन आता है सेलेक्ट योर स्टेट। उसमें आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश, और सेलेक्ट करने के बाद आपके पास जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो आपके पास एक पासवर्ड पॉलिसी आती है। तो कुछ शिक्षक साथियों की समस्या है, वे समझ रहे हैं कि उनको कोई नया पासवर्ड बनाना है। तो साथियों, आपको कोई नया पासवर्ड नहीं बनाना है, वो आपको बताया हुआ है कि आपका पासवर्ड ऐसा होना चाहिए। उसमें लिखा है कि आपका पासवर्ड 8 करेक्टर से ज़्यादा का होना चाहिए, उसमें कैपिटल लेटर्स होने चाहिए, उसमें स्मॉल लेटर्स होने चाहिए, उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स भी होना चाहिए, उसमें नंबर्स भी होना चाहिए। अगर आपका दीक्षा का या मानव संपदा पोर्टल का पासवर्ड इस तरह का नहीं है,
तो आप उसको चेंज कर लीजिए, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है चेंज करने की, बाद में आप उसे चेंज कर सकते हैं। तो इस ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। पांचवें नंबर पे आता है, लॉगिन विद स्टेट सिस्टम करने पर कौन सी आईडी और पासवर्ड डालनी है। ये भी समस्या आती है जब आप लॉगिन विद स्टेट सिस्टम करते हैं और अपने स्टेट को सेलेक्ट करके सबमिट करते हैं, तो जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके पास आता है आईडी और पासवर्ड। तो इसमें आपको मानव संपदा पोर्टल पर जो आपका EHRMS कोड है वो डालना है और उसका पासवर्ड आपको डालना है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, लॉगिन विद स्टेट सिस्टम करने पर आपको मानव संपदा की डिटेल्स आपको डालनी है। उसके बाद छठा आता है, मानव संपदा पोर्टल का पासवर्ड भूल गए तो क्या करें। अब कुछ शिक्षक साथियों की ये समस्या भी है कि वे मानव संपदा पोर्टल का EHRMS कोड तो उनको पता है लेकिन वे उसका पासवर्ड भूल गए हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप मानव संपदा पोर्टल पे जाइए और उसके लॉगिन पेज पे जाइए EHRMS लॉगिन पे और अपनी आईडी डालकर फॉरगेट पासवर्ड कर दीजिए। पहले फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन नहीं चल रहा था, हमें पासवर्ड BRC से रीसेट कराना पड़ता था, लेकिन अब ऑप्शन आ गया है। आप जैसे ही फॉरगेट पासवर्ड करेंगे तो जो मानव संपदा पोर्टल पर आपका ईमेल डला हुआ है उस ईमेल पर आपका पासवर्ड भेज दिया जाएगा। आप ईमेल को चेक करके अपना पासवर्ड देख सकते हैं, आपके ईमेल पर आपका पासवर्ड आ जाएगा। तो अगर आप मानव संपदा पोर्टल पर पासवर्ड भूल गए हैं तो ये आपको कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिससे कि आप अपना पासवर्ड आसानी से चेंज कर सकें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव संपदा पोर्टल पर आईडी और पासवर्ड जैसे ही हम डालते हैं तो इस तरह का मैसेज हमारे पास आता है, लॉगिन फेल्ड, डिटेल्स रिसीव्ड फ्रॉम योर स्टेट सीम्स टू बी इनवैलिड, कॉन्टैक्ट योर स्टेट। इस तरह का अगर आपके पास मैसेज आ रहा है तो हो सकता है आपने मानव संपदा आईडी सही गलत डाली हो सकता है आपने पासवर्ड गलत डाला हो सकता है आपने कैप्चा कोड गलत डाला हो। अगर इन सबको आप अच्छी तरह से चेक कर लीजिए, इन सबको चेक करने के बाद भी अगर ये मैसेज आपका आ रहा है तो उसके बाद आप उस काम को वहीं पर छोड़ दीजिए और अपने मानव संपदा पोर्टल पे जाइए और अपने EHRMS कोड और अपना पासवर्ड डाल के देखिए क्या आपका मानव संपदा पोर्टल खुल रहा है या नहीं। अगर नहीं खुल रहा तो आपकी कोई ना कोई समस्या है, आपके पासवर्ड की समस्या है या कोई समस्या है, उसे आप अपने BRC से सोल्व करा लीजिए। और अगर आपका खुल रहा है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एक दो दिन इंतज़ार कीजिए। अभी कोई ज़्यादा जल्दी नहीं है कि आपको आज ही मर्ज करना है, एक दो, ये सिस्टम की प्रॉब्लम है क्योंकि सिस्टम बहुत ही ख़राब बनाया हुआ है, दोनों पोर्टल ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, बार बार उनमें एरर आ जाता है। तो ये एरर की प्रॉब्लम है, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, एक दो दिन में ये ठीक हो जाएगा, उसके बाद आप मर्ज कर सकते हैं। तो इस समस्या का समाधान आपका ये हुआ। नेक्स्ट आती है समस्या 8, मानव संपदा पोर्टल की आईडी और पासवर्ड डालने पर कुछ शिक्षक साथियों के साथ क्या हो रहा है, उन्हें दीक्षा का पासवर्ड ही नहीं मांगा जा रहा, ना OTP आ रहा, सीधे वे दीक्षा पे पहुंच रहे हैं। दीक्षा का ना पासवर्ड डालने की जरूरत पड़ी और ना ही OTP डालने की जरूरत पड़ी, दीक्षा पर सीधे पहुंच गए हैं। अगर इस तरह की कंडीशन आपके सामने आती है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आपने मानव संपदा पोर्टल की आईडी डाली और पासवर्ड डाला और आप सीधे दीक्षा पे पहुंच गए तो सीधा सा मतलब है आपका मर्ज हो चुका है। आप परेशान बिल्कुल ना हो, आपका मर्ज हो चुका है, भले ही आपसे पासवर्ड ना मांगा हो। बहुत सी बार वो पासवर्ड नहीं मांगता, मैंने भी एक शिक्षक का मर्ज किया था तो उसमें पासवर्ड नहीं मांगा था और पासवर्ड नहीं मांग के सीधे आप दीक्षा पे पहुंच गए, यानी कि आपका मर्ज हो चुका है। तो इसमें भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है साथियों, हिम्मत से काम लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई ज़्यादा समस्या वाली बात नहीं है। इस तरह की समस्या आती रहती है क्योंकि पोर्टल ज़्यादा अच्छे नहीं है, पोर्टल में प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये समस्या का समाधान हुआ। नेक्स्ट आपके पास सवाल आता है, दीक्षा ऐप और मानव संपदा पोर्टल मर्ज हुए या नहीं कैसे पता करें। भाई हमने सारी प्रोसेस कर ली, मर्ज का ऑप्शन भी हमने दबा दिया, मर्ज का ऑप्शन दबाने के बाद वे मर्ज हुए या नहीं, तो इसके लिए आप जब दीक्षा पे जाएंगे तो दीक्षा में जो प्रोफाइल है, प्रोफाइल में आपके नाम का पहला लेटर कैपिटल्स में लिखा होगा,
गोल मार्क होगा उस पर टिक लग जाएगा ग्रीन कलर का, आप उसे देख लीजिए। अगर आपका ग्रीन कलर का टिक लग गया है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका मर्ज हो चुका है। नेक्स्ट आपका प्रश्न आता है, नाम के सर्किल पर ग्रीन टिक नहीं आ रहा है, क्या करें? ऐसा भी हो रहा है, आपने सारी प्रोसेस की मर्ज करने की, आपने लॉगिन पास लॉगिन भी EHRMS कोड भी डाला, उसका पासवर्ड भी डाला, उसके बाद मर्ज के ऑप्शन पे भी क्लिक किया, उसके बाद आपसे दीक्षा का पासवर्ड भी मांगा, वो भी आपने सही डाल लिया, उसके बाद भी आपका टिक नहीं आ रहा है तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, 48 आवर्स में ये टिक हो जाएगा। ये सिस्टम प्रॉब्लम है, थोड़ा समय लग सकता है, एक दो दिन लग सकता है, लेकिन आपने सारी प्रोसेस कर ली है, ये आपकी सिस्टम की प्रॉब्लम है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, वो टिक अपने आप लग जाएगा, आपका मर्ज हो चुका है, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, गलती से मर्ज की जगह क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक कर दिया तो क्या करें? मैंने अपनी वीडियो में स्पष्ट बताया था कि आपको मर्ज पर क्लिक करना है, क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक नहीं करना, क्योंकि उससे क्या होगा, आपकी सारी डिटेल्स खत्म हो जाएंगी, यानी आपने जो भी कुछ किया था तो उसमें भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर गलती से क्रिएट न्यू अकाउंट पे मर्ज हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी डिटेल्स दीक्षा पर जाकर अपनी फिर दोबारा से सही कर लीजिए, हो सकता है आपके जो जितने भी वे हैं आपने ट्रेनिंग किए वे खत्म हो गई हैं, तो उन ट्रेनिंग को दोबारा कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपकी जो जो डिटेल्स गलत है, वहाँ पर स्टेट गलत है, आपका डिस्ट्रिक्ट गलत है, उसको दीक्षा पे जाके आप एडिट पे जाकर सही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर गलती से आपने मर्ज की जगह क्रिएट न्यू अकाउंट कर दिया तो आपकी जो आपका दीक्षा में पहली डिटेल थी वे सारी खत्म हो गई, उनको दोबारा बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी इतना बड़ा इशू नहीं है कि आपकी नौकरी पर कोई आँच आएगी, हो जाता है, गलती हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, क्रिएट न्यू से ही आप शुरू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मर्ज करना था, आपने गलती से कर दिया तो आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, आपको ट्रेनिंग दोबारा करनी पड़ेगी, और ट्रेनिंग दोबारा करने के साथ साथ ट्रेनिंग दोबारा करने में एक ट्रेनिंग करने में केवल 5 मिनट लगते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें भी। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 12, ये आपका 12 छूट गया है, 13, पहले का सारी ट्रेनिंग गायब हो गई, क्या करें? आपका आपने दीक्षा पोर्टल को मानव समता पोर्टल से मर्ज किया, सारी प्रोसेस की, EHRMS कोड भी डाला, पासवर्ड भी डाला, मर्ज के ऑप्शन पे भी क्लिक किया, एक एक स्टेप बाय स्टेप वीडियो के सहारे आपने सब कुछ कर लिया, आपकी सारी ट्रेनिंग गायब हो गई, कोई दिक्कत नहीं, सिस्टम का फॉल्ट है, आप या तो इंतजार कर लीजिए, वरना मैं आपको टेक्निक बताता हूँ, आप सारी ट्रेनिंग दोबारा कर लीजिए। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मैंने अपनी सारी ट्रेनिंग 5-5 मिनट में सारी हो जाती है, ट्रेनिंग को आप क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद आधे मिनट उसे चलाइए, आधे मिनट चलाने पर बैक के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए तो वो आपकी पूरी हो जाएगी, नेक्स्ट ऑप्शन पे इसी तरह से थोड़ी थोड़ी चलाइए और बैक पे क्लिक करते रहिए तो आपकी 5 मिनट में एक ट्रेनिंग हो जाएगी, कोई भी ट्रेनिंग 5 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इस तरह से धीरे करके आप, अगर आपकी ट्रेनिंग गायब हो गई है तो इसमें भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, जब आधे घंटे में आप अपनी सारी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे तो इसमें भी आप बिल्कुल मत घबराइए, ट्रेनिंग खत्म हो गई तो कोई दिक्कत नहीं, दोबारा कर लीजिए। मान लीजिए कुछ शिक्षक साथियों का मैसेज आ रहा है कि मेरा सर्टिफिकेट नहीं आ रहा, कैसे करूं? अरे सर्टिफिकेट नहीं आ रहा तो दोबारा से ट्रेनिंग कर लो, 5 मिनट में ट्रेनिंग हो जाएगी, फिर दोबारा सर्टिफिकेट आ जाएगा, तो ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, इनमें घबराने की जरूरत नहीं है। और लास्ट आपका है, आपके स्कूल का नाम और ब्लॉक नाम शो नहीं हो रहा, या अगर शो हो रहा है तो आपके ब्लॉक का नाम और स्कूल का नाम गलत है, तो ये आपका फॉल्ट नहीं है, ये मानव संपदा पोर्टल का फॉल्ट है, ये आपके BRC का फॉल्ट है, वे अपने आप सही करेंगे, बस आप उनको इन्फॉर्म कर दीजिए। हो सकता है उनके सिस्टम की गलती से हो रहा हो सकता है उन्होंने सही फीड नहीं किया हो, तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, इसमें आपके BRC से आप संपर्क करें और उन्हें बताएं कि मेरा नाम गलत आ रहा है, इसे सही कीजिए, तो वे इसको सही कर देंगे, या अगर सिस्टम की गलती है तो 2-4 दिन में अपने आप सही हो जाएगी। तो साथियों, ये सभी समस्याएं थी, इन समस्याओं का मैंने संभावित समाधान आपको बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे तो उसके लिए आप मेरे इन्फॉर्मेटिव व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए,
वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।